वैसे पहाड़ों के सुबह की बात ही कुछ और होती है ना। वो सुकून, शांति और आंखों में कैद कर रख लेने वाले सुंदर नज़ारे। और बस यही वो टाइम होता है जो मैं पर्सनली पहाड़ों पर कभी मिस नहीं करती। और ऐसे ही अभी अभी मैंने एक ब्यूटीफुल सा सनराइज विटनेस किया है इन कल्पा। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल एवरीबॉडी। मेरा नाम है हिमानी एंड आज है डे टू ऑफ आवर एक्सपेडिशन। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल एवरीबॉडी। और या 5:30 में उठ गई थी और अभी बज रहे हैं 8:30-9 बज रहे होंगे। और ब्रेकफास्ट हो गया, सब कुछ हो गया, ऑल सेट, पैकिंग वैकिंग सब कुछ डन हो चुकी है। वी आर अबाउट टू लीव दिस प्लेस। मन तो नहीं कर रहा है बट आगे की जर्नी और एडवेंचरस है, सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो दिस इज द प्लेस वेयर वी स्टेड लास्ट नाइट एंड we are all good to go. Everybody is prepping up for drive for day two and sara saman man load ho gaya hai gaadiyon mein, as you can see. Ready? Ready. Yes, awesome. For day two. Yes. How to clean 101. So this is the way to clean. काफी अच्छी धूप आ रही है। हाय 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 हाय, कांट यू टेल यू, इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून सा हो रहा है कि इतनी प्यारी सी धूप आ रही है और सामने जो है किन्नर कैलाश का व्यू दिख रहा है। और आज जो है हम जा रहे हैं ताबो। यस, आफ्टर लॉकडाउन स्पिति, हम शायद हम होंगे पहले टूरिस्ट में जो कि स्पिति जाएंगे एंड होपफुली परमिट सारे परफेक्टली हो जाए एंड हम ताबो तो जा रहे हैं। ताबो से आगे काजा हम जा पाते या नहीं जा पाते, दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क, बट आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज स्पिति इज लव। इफ़ यू आर फॉलोइंग मी सिंस लॉन्ग देन आपको पता है कि स्पिति इज लव एंड आई लव लव लव। सो लेट्स गो, get your engine started guys, let's roll. By the way, guys, so अपडेट ये है कि कल्पा से निकल चुके हैं और राइट नाउ हम अभी थोड़ा रुके थे रिकॉन्ग पीओ, क्योंकि रिकॉन्ग पीओ से मुझे कुछ लेना था। आई गॉट समथिंग फॉर माई सेल्फ विच इज दिस कैप। ओके, ये लगा के काफ़ी फनी लगने वाली हूँ बट ये ठंड से काफ़ी बचाता है क्योंकि इस पर जो है ये ईयर्स के पास भी ये है, वो है अच्छे से समझो ना यार, हवा हवा नहीं आती और कुछ ज़्यादा ही विंडी वाला वेदर है। सो इतनी ज़्यादा विंड ब्लो कर रही है तो मैंने बोला कि ले लेते हैं और अभी बस हम यहाँ से निकलेंगे और हमारी डेस्टिनेशन जो है आज की वो तो है ताबो। सो हम एंटर करेंगे स्पिति वैली। ओह माय गॉड, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। सो गाइज, दिस इज़ अ अक्पा चेक पोस्ट एंड हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं तो इनर लाइन परमिट
के लिए वी हैव स्टॉप्ड हियर. हम कल्पा से निकले थे अराउंड 11 हम कल्पा से निकले थे क्योंकि हमने रिकोंगपियो में थोड़ा सा स्टॉप लिया था और फिर वहाँ से हम चल पड़े थे 11 बजे आप मान लो. तो अभी बज रहे 2:30. वी हैव रीच्ड नाको और इससे पहले हमने एक जगह पर ही स्टॉप लिया था जहाँ पर सिर्फ वॉशरूम के लिए. एंड या विरिट्स भी आ चुका है. इट्स लाइक कि हे आई एम हियर. मैं आ गया तुम्हारा ट्रिप स्पॉइल करने बट इट्स ओके चिल. इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब. आई एम वेरी यूज्ड टू इट नाउ. सो ये अभी सब कुछ चंगा है और हम नाको पहुँच चुके हैं. यहाँ पे हम करेंगे लंच और ये है पीछे मेरे नाको विलेज जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है मुझे. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि पूरा स्नो कवर्ड होगा बट नहीं है, ड्राई दिख रहा है. कहीं कहीं पर दूर दूर पर पहाड़ों पर दिख रही है बर्फ़. सो आगे होपफुली हम काजा जाएंगे तो वहाँ पर हमें विंटर स्पति देखने को मिलेगा. हम सुबह 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 हैप्पी. सो या अब बात करें काम की. तो हम जब आ रहे थे तो हमें रास्ते में सिर्फ एक ही चेक पोस्ट आया है और एक चेक पोस्ट के बाद कोई चेक पोस्ट नहीं आया है अभी तक. तो सो या विल सी आगे आता है तो आई अपडेट यू. अभी हम यहाँ पर करेंगे लंच एंड लंच के बाद विल गो अहेड क्योंकि हम स्टे करने वाले हैं आज ताबो में. सो या अभी जर्नी हमारी ताबो तक चलने वाली है. सो लेट्स गो. वी आर हैविंग थुक्पा फॉर लंच. नाको से निकल चुके हैं और आज सन जो है वो कुछ ज्यादा ही हार्श है. दैट्स व्हाई आई रिमूव्ड माय जैकेट. कैन सी वी आर इन विंटर स्पिति एंड आई एम फीलिंग हॉट. लाइक व्हाट इज दिस वेदर इज डूइंग टू मी. आई डोंट नो. या डूड लिटरली. एंड वी आर राइट नाउ हियर इन द मिडल ऑफ नोवेयर तो नहीं कह सकती हूं बिकॉज वंस आई विल टर्न द कैमरा यू विल सी वी आर वी टुक सम लाइक थोड़ा एडवेंचर के लिए. यार देखो अब एक्सपेक्ट किया था कि स्नो होगा तो स्नो तो था नहीं तो अब सोचा कि कुछ और ही एडवेंचर कर लेते हैं. सो दैट्स व्हाई हमने रोड को छोड़ दिया है. यस और अब हम ऑफ रोडिंग करें. ओके सो ऑफ रोडिंग कर रहे हैं. थोड़ा शॉर्टकट लिया है ताकि और जो बच्चे हैं वो वहां खड़े हैं. जो बच्चे हैं वो वहां खड़े हैं. दिखा सकते हैं बच्चों को. बच्चों को दिखाते हो. वेट हम किसे बच्चे का शॉर्टकट नहीं लिए. सो दे आर द किड्स. फाइन. ये जो गाड़ियां खड़ी ना चारों गाड़ी ये सब बच्चे हैं और ये सारे बड़े पीरो. हम हैं पीरो. पीरो. ओके व्हाट डस दैट मीन. पीरो मींस प्रो. ओ प्रो. ओ जीस. ओ जीस. ओके सो दिस इज द रोड which we are taking and by the way wo road wahan par tha acha khasa theek hai to it's just for fun guys. Are you going to
आई हूँ, फाइनली बर्फ दिखनी शुरू हुई, सामने थोड़ी थोड़ी बर्फ दिख रही है। बधाइयाँ बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम चंडीगढ़ पहुँच गए हैं, सेक्टर 13। सो ये है चंडीगढ़। कहाँ पर चंडीगढ़ है ये? स्पीति में। इसके पीछे की स्टोरी है वो बताऊंगी मैं। ओके एवरीबॉडी, सो वी आर द फर्स्ट वन आफ्टर कोविड जो एंटर कर रहे हैं स्पीति वैली, एंड दिस इज द थिंग विच आई वॉज हाइडिंग, लाइक हाइडिंग क्या, अब तो इंस्टाग्राम से आप लोगों को पता चल गया होगा, बट स्टिल माई यूट्यूब ऑडियंस फॉर यू, वी आर इन Spiti. Oh my god, you know guys how much I love Spiti. The moment first time I came here, I fell in love with this place and the beauty. मतलब अभी भी मैं बस, मेरा थोड़ा हेडेक हो रहा है, बट स्टिल आई एम एंजॉइंग। अभी हम तावो पहुँचने वाले हैं, सुबह से जो निकले हुए हैं, बट घूमते घूमते थोड़ा जर्नी लंबा हो गया, बट इट्स ऑल वर्थ वेन यू आर इन Spiti. सो शाउट आउट टू Gregos स्नो स्पिन, या जिनके साथ वी आर ट्रैवलिंग, सो दे आर अमेजिंग, एंड इनके कारण हम यहाँ आए हैं, आई मीन द होल टीम। और इन दिस वीडियो मैं सोच रही हूँ मैं आपको कुछ लोगों से मिलाऊंगी, हु विल टेल यू अबाउट द ट्रिप एंड एक्सपेडिशंस इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन इन फ्यूचर, सो डेफिनेटली यू शुड कॉन्टैक्ट दैम। और मैं इसका लिंक भी जो है इनके पेज का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, मैं दूसरी बार बोल रही हूँ आई गेस, हाँ बट येस, अब देख लेना। अभी के लिए चलते हैं ताबो, वहाँ पहुँच के आपसे बात करेंगे। पहुंच गए हैं ताबो, और ताबो में वी आर हियर इन आर होम स्टे, एंड लुक एट दिस कोजी रूम, आई एम इम्प्रेस्ड। एंड यहाँ पर सब कुछ है, लाइक एवरीथिंग इज़ हियर, लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक बेडिंग, एंड माय हालत इज़ राइट नाउ सो फ्रिकिंग बैड बिकॉज मेरा हेडेक बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑफ कैफीन और समथिंग। मैंने बिल्कुल दिन में कॉफ़ी चाय कुछ पिया नहीं था आज ब्रेकफास्ट में, एंड या दैट्स व्हाई मे बी हेडेक हो रहा है। सो मेरी हालत को इग्नोर करना, अदर देन दैट एवरीथिंग इज, यहाँ पर देख के सब थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो अभी थोड़ा सा फ्रेशन अप होके आई विल गो टू लाइक कॉमन एरिया, वहाँ पर बैठते हैं सारे, चिल विल करेंगे, एंड उसके बाद डिनर करके सो जाना, या बिकॉज कल का दिन होने वाला है क्रेजी। And this is how our day two ends here in Tabo. Day was super amazing. Kalpa से लेके Tabo तक की जो drive थी वो काफ़ी scenic, काफ़ी beautiful थी, नज़रें आपकी रास्तों से हटती नहीं है, मैं एक मिनट के लिए भी मैं नहीं सोई, I was literally enjoying the ride। And उसके बाद हम सारे लोगों ने बैठ के साथ में खाना खाया, गप्पे मारे, बहुत conversation किया, और उसके बाद बस बाहर निकले because I wanted to witness like beautiful sky filled with stars, as like no I have to go, though the temperature was -15-16 somewhere, but still यार whenever you are in Spiti you can't miss out this like night वाला time, so we went out और हमने stargazing की, और उसके बाद I was lucky enough to लाइक विटनेस शूटिंग स्टार, और ऑब्वियसली मैंने विश मांगी, हाँ। और बस इसी के साथ इस वीडियो को भी यहाँ पर ख़त्म करते हैं गाइज, डे वॉज सुपर क्रेजी, एंड आपको मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ जहाँ पर हमने काजा में काफ़ी 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 धूम मचाई है, वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। और टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूँ ही खुशनुमा ज़िंदगी बिताते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। एंड या इफ़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, press the bell notification, we'll see you with another video, till then tata bye bye namaste।